अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर को वैसे अदबी और इल्मी शहर कहा जाता है, पर पिछले कुछ अरसे से तालीम दार मारामारी गुंडागर्दी की बढ़ती वारदातें वालिदैन को सोचने पर मजबूर कर रही है। तालीम का अपना मुकाम है क्या? जिन कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं किस हद तक महफूज हैं? और एक अहम बात यह भी है कि जुर्म को अंजाम देने के बाद पुलिस महकमा कार्रवाई तो करेगी, पर क्या मुजरिमाना ज़हनियत पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? ये भी बात उतनी ही अहम है। हाल ही में एक वारदात पेश आई जिसके बाद कॉलेज में बढ़ने वाले तलबाओं के तहफ्फुज पर फिर एक बार सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक भरतेज कॉलेज आर्ट्स में पढ़ने वाले मोहम्मद हारिस काजी उम्र 20 साल पर कुछ नौजवानों ने जानलेवा हमला किया, सर में जबरदस्त चोट आई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुष्टि से सर पर हमला किया गया जिससे गहरी चोट मोहम्मद हारिस के सर पे आई और चाकू से पीठ पर गहरा जख्म किया गया, जिससे लहूलुहान हालत में मोहम्मद हारिस को पहले केली अस्पताल फिर सिविल अस्पताल में जेर इलाज दाखिल किया गया। मामला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज किया गया। सीपीआई दामनवर साहब ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को हिरासत में लिया। कुल अब तक 13 अफराद जेर हिरासत में है और 3 की तलाश जारी होने की भी खबर हासिल हो रही। मोहम्मद हारिस के वालिद इब्राहिम काजी ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। मोहम्मद हारिस के वालिद ने पुलिस महकमा से गुजारिश फरमाई के जो भी बाहरी लोग हैं और हमले में शरीक हुए इनकी भी तलाश कर कार्रवाई करें। इत्तला के मुताबिक छोटी सी वारदात के बाद किला में ले जाकर जानलेवा हमला किया गया और हथियारों से जख्मी किया गया। उमूमन हम देखते हैं कि कॉलेज स्कूलों में मामूली झगड़े बहस मुबासे देखे जाते हैं, पर अब छोटी सी वारदात भी किस तरह जानलेवा हमला करने तक पहुंच रही है इससे इसी हमले से साबित होता है। बेलगाम के और भी कुछ कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं। बाहरी लोगों का दखल कॉलेजेस में ज्यादा हो रहा है। कॉलेज इंतजामिया को चाहिए कि बाहरी संगठनों या फिर किसी तंजीम इदारों के अफरादों को न सिर्फ कॉलेज तलबाओं से मिलने दे बल्कि बाहरी ताकतों को अंदर आने से भी रोका जाए। कॉलेज में पढ़ने वालों को इंतजामिया सख्ती से बाहरी अफरादों को कॉलेज अहाते में आने से उनसे दोस्ती रखने से मना करें। यकीनन कॉलेज के बाहर किन लोगों से मिलते हैं ये उनकी अपनी मर्जी होती है, लिहाजा कॉलेज स्कूल तालीम हासिल करने के मरकज होते हैं और वालिदैन पढ़ाई करने के लिए ही बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं। जुर्म के बाद पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन जुर्म को पनपने न दे इसका ख्याल कॉलेज इंतजामिया के साथ वालिदैन की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। मोहम्मद हारिस पर जानलेवा हमला करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दफा 173 के तहत 189(2), 191(3), 109, 115, 118, 351(2), 190 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हिरासत में लिए एक्यूजिस के नाम इस तरह हैं: भरत हादिमानी, अभिषेक आयन, सुनील नाइक, आकाश संदी, दर्शन हौजी, नीलेश महंतेश, हम्पी होली, अर्जुन, आदित्य पाटिल, उमेश रिको, प्रीतम पाटिल, रोहित निकनाल, परशुराम, दर्शन, सचिन, बजंत्री इस तरह के हैं। खैर, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तिलकवाड़ी, सुभाष नगर, नेहरू नगर, यहाँ भी कॉलेज तलबाओं के गिरोह आपस में टकराए और लड़ते हुए जानलेवा हमलों तक पहुंच गए। इस तरह की वारदातों को अंजाम भी दिया गया। इत्तेहाद न्यूज़ उन तलबाओं से गुजारिश करता है कि पढ़ लिख कर वालिदैन का नाम रोशन करें। गुंडागर्दी, बहस, मारामारी कुछ देर तक जिंदगी में एक्साइटमेंट जरूर दिलाती है, पर जिंदगियां बर्बाद करने की वजह बन जाती है, जिंदगियों का रुख बदल जाता है। बेलगाम में कुछ फिरका परस्त तंजीमें हैं जो नौजवानों को गलत राह की तरफ मोड़ने के काम को अंजाम दे रहे, झूठ, धोखा, फरेब, यहाँ तक के नशा फहश कामों की तरफ ये गर्म खून जल्द माइल होता है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगता। वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने के लिए पढ़ाई में ध्यान दो, जिंदगी एक बार मिलती है। छोटी सी वारदात को लेकर मुष्टि, तलवार, चाकू से हमला करना कोई बहादुरी नहीं है बल्कि अपने ही किरदार को दागदार बनाने की तरह है। तमाम अफराद भरतेज कॉलेज में पढ़ते हैं, पुलिस और भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर कौन अफराद भारी थे जो इस तरह एक निहत्थे शख्स पर इतने हथियारों के साथ हमलावर कैसे हुए? आखिर इस तरह के हथियार कहां से आए? क्या कोई है जो इन्हें इस तरह के हथियार मुहैया करा रहा है? आखिर कौन सी संगठना है? इसकी भी तहकीक जारी है। अब्दुल हामिद आदम का एक शेर है जो आखिर में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सिर्फ एक कदम उठाता गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तालीम के मैदान को जंग का मैदान न बनाए, यही आज के नौजवानों का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम इब्राहिम बोलतो, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हारिस है, भरतेज कॉलेज प्यू साइंस फर्स्ट ईयर में है। उन्हें आज दोपहर में कुछ लड़के लोग जो है उसको फॉलो करके
एक 15 कॉलेज के लड़के और 10 जो है 10 से 15 बाहर के लड़के, सिविल लड़के जो मेरे लड़के के ऊपर अटैक कर रहे सो है और गाली भी दे सो है, गाली गलत फिर के साथ बोल के वहाँ के ऊपर गाली दे के वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देकर और बाद में उसके बाद में हथियार से उन्होंने उस पर हमला किया, जैसे कि मुष्टि बोलते हैं फाइटर, उसे सर में मारा, जिससे सर पटा उसका, जहाँ पर उसे 7-8 टाँके पड़े हैं अंदर के भी और बाहर से भी, टोटल 14 टाँके एक जगह पे पड़े हैं। बाद में पीछे जो है चाकू से या नाइफ से कुछ छोटी जो पीछे वार के पीठ में जहाँ पर 2 जगह पर लगाए वहाँ पर भी कुछ स्टिचेस पड़े हैं और वो पूरी तरह घायल है। तो हम लोग सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे, एडमिट किया, एमएनसी भी बनाए सो है और मैं दरखास्त करता हूँ डिपार्टमेंट से और बाकी लोगों से भी कि मुझे सपोर्ट करें और डिपार्टमेंट वाले जल्द से जल्द और स्ट्रांग इंक्वायरी करें और जो भी लड़के हैं कॉलेज वाले और बाहर वाले इनको अरेस्ट करें और कॉलेज वाले इन पर एक्शन लें और इनको इन्वेस्टिगेट करें और मुझे जो है मेरे बच्चे को और मुझे इंसाफ मिले।